मुरादाबाद जनपद कुंदर की थाना क्षेत्र के लाइन पार्क स्थित एक मकान को कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। जी हां, आग इतनी भयंकर थी कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस दौरान घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लगभग 3 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। दरअसल थाना क्षेत्र के लाइन पार्क स्थित एक मकान में देर रात्रि अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग भयंकर होने से उस पर काबू पाया नहीं जा सका। जी हां, आरोप है कि मकान मालिक अपने बच्चों के साथ किसी शादी में गया था, तभी देर रात्रि किसी ने तेल छिड़क कर उसके घर में आग लगा दी। मकान मालिक के अनुसार उसके घर में 2 बेटियों की शादी होनी थी, जिसका सामान रखा हुआ था और साथ ही लगभग 50,000 की नकदी जलकर खाक हो गई। जी हां, आपको बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि मकान की छत भी टूटकर गिर गई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। क्या नाम है आपका? असलम नाम। क्या हुआ है असलम? घर में आग लग गया, तगादी हुई, बच्चे शादी में हुए थे, मैं अकेला था, बाहर रहता लाग में बहन गैस हो गया। वहाँ से मैं आया तब पूरा घर में आग लग गई। मोहल्ला बुला के लाएंगे। कौन कौन लोग थे क्या थे? पता जिसमें किसी है नहीं, ये पता नहीं कितनी आग लगाई है। आप गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे मेरे मेरे पूरा मकान में आग लग गई, कुछ नहीं बचा मैंने, खत्म कर दिया। कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान पूरा पूरे मामला सभी माल जल गया, पैसे भी जल गए, सब पर जल गया। कितने रुपए का नुकसान होगा लगभग? नुकसान कम से कम ऐसे मान लो हमें 3-3.5 हज़ार रुपये। सर, कुंदर की लाइन पार्क क्षेत्र में एक आग लगी थी, विशाल आग थी, उसमें क्या किस तरीके से आग लगी और किस तरीके से आग पर काबू पाया गया? हमारे मुरादाबाद जो मेन फायर स्टेशन है, MDT पर सूचना प्राप्त हुई कि कुंदर के लाइन पार्क में नई मस्जिद के पास में कोई आग लगी घर में। लगभग टाइम 12:48 था, तो हमारी यूनिट वहाँ पर रहती है बिलारी में। तत्काल हमारे जो कंट्रोल रूम में कर्मचारी थे, उन्होंने वहाँ की यूनिट को इन्फॉर्म किया कि इस तरह से बिलारी में आग लगी है। वहाँ से हमारी गाड़ी UP 21 AG 0519 और जो वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं, तत्काल वहाँ अग्निकांड स्थल के लिए रवाना हुए। जाकर के देखा जो कुंदर की लाइन पार छोटी मस्जिद, जिसको नया मस्जिद का नाम भी दिया गया है, मोहल्ले में एक घर में आग लगी थी। एक मकान था और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि जाड़े हैं, तो जाड़े में आग थोड़ा सा लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मध्य रात्रि का टाइम था, तो आग शायद काफ़ी पहले लगी रही होगी। वो जब किसी की निगाह पड़ी तो तब आग पूरी तरीके से विकराल रूप से फैली हुई थी। जो घर था, घर पे जो छत्ती कच्ची छतें होती हैं उससे बनी हुई थी, और वो कोलैप्स भी हो गया था। जो घरेलू सामान था वो भी उसमें जल गया था, लेकिन उसको पुरेंद करके हमारी फायर सर्विस टीम द्वारा आग को बुझाया गया और जो आसपास घर थे उनको इस तरफ फैलने से रोका। जब आग बुझने के बाद में संज्ञान में आया कि कोई असलम सनोप नूर मोहम्मद का ये घर था, और वहाँ पर हमारी लोकल पुलिस PRV 0270 भी मौके पर मौजूद थी। ठीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।